सब्सक्राइब करें टेक ब्रोस चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ब्रोस। आज के इस वीडियो में हम iPhone 12 में कैसे बिना क्रेडिट कार्ड की मदद के ऐप स्टोर पे आईडी क्रिएट कर सकते हैं ये देखेंगे। दोस्तों, आप इस मेथड का इस्तेमाल करके आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 13 और एप्पल के दूसरे मोबाइल्स में आसानी से बिना क्रेडिट कार्ड की मदद के आप एप्पल की आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप आपके मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर दीजिए। सेटिंग को ओपन करते ही देखिए दोस्तों, आपको साइन इन टू योर आईफोन ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे ओपन कीजिए। आपको यहाँ पे डोंट हैव एन एप्पल आईडी ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे प्रेस कर दीजिए। अभी देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे क्रिएट एप्पल आईडी इसे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे आपका नेम, सरनेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे फिल कर देनी है। और इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन को प्रेस कर देना है। अभी देखिए, आप यहाँ पे यूज ईमेल एड्रेस इसे सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद में देखिए, आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन डोंट हैव एन ईमेल एड्रेस इसे सिलेक्ट कर दीजिए। अभी देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे गेट एन आईक्लाउड ईमेल एड्रेस ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे सिलेक्ट कर दीजिए। अभी आपको यहाँ पे आपके नाम से जो भी एप्पल आईडी क्रिएट करना है आप वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। और इसके बाद में यहाँ पे अगर वो ईमेल आईडी है तो देखिए, आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन प्रेस करने के लिए ऑप्शन इनेबल हो जाता है, आप यहाँ पे इसे नेक्स्ट बटन प्रेस कर दीजिए। अभी आपको यहाँ पे क्रिएट ईमेल एड्रेस इसे सिलेक्ट कर देना है। अभी आपको यहाँ पे आपकी एप्पल आईडी के लिए पासवर्ड क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे पासवर्ड फिल कर दीजिए और इसके बाद में नेक्स्ट बटन को प्रेस कर दीजिए। अभी आप यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई कर दीजिए। आपको यहाँ पे वही फ़ोन नंबर फिल करना है जो आपने मोबाइल में इंसर्ट किया हुआ है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पे कंफर्म होता है, उसके बाद में आपको यहाँ पे एग्री बटन को प्रेस कर देना है। अभी आप यहां पे आपका पासवर्ड कंफर्म कर दीजिए। अभी देखिए दोस्तों, हमारी एप्पल आईडी यहां पे क्रिएट हो चुकी है और हमारे फोन में ये अभी लॉगिन भी हो चुकी है। अभी दोस्तों, हम ऐप स्टोर पे से इस आईडी की मदद से कैसे बिना क्रेडिट कार्ड के फ्री एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं ये देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप ऐप स्टोर ओपन कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ऐप स्टोर को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए, आपकी सेम एप्पल आईडी यहाँ पे लॉगिन है। तो अभी आप यहाँ पे इसे डन बटन प्रेस करके बैक आ जाइए। अभी दोस्तों, हम यहाँ पे फ्री ऐप्स को इंस्टॉल करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे अभी सबसे पहले व्हाट्सएप को यहाँ पे सर्च करके इसे इंस्टॉल करते हैं। अभी यहाँ पे हम गेट बटन को प्रेस कर देते हैं। अभी आपको यहाँ पे इंस्टॉल बटन को प्रेस करना है। अभी देखिए, हमने इस एप्पल आईडी से अब तक के कोई भी एप्लीकेशन वगैरह को यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया है। तो अभी आपको यहाँ पे इसका पासवर्ड कंफर्म करने के लिए दिखा रहा है, तो अभी आप यहाँ पे इसका पासवर्ड कंफर्म कीजिए और यहाँ पे साइन इन बटन को प्रेस कर दीजिए। अभी आप यहाँ पे रिव्यू बटन प्रेस कीजिए। अभी आप यहां पे इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर दीजिए और यहां पे नेक्स्ट बटन प्रेस कीजिए। अभी देखिए दोस्तों, हमने यहां पे इसके पेमेंट मेथड पे नन को सिलेक्ट किया हुआ है। हमने यहां पे हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की कोई भी डिटेल वगैरह यहां पे नहीं डाली है। और अभी यहां पे देखिए, हमारा नेम, सरनेम और हमें यहां पे दूसरी चीज़ें यहां पे फिल करनी है और यहां पे नेक्स्ट बटन प्रेस कर देना है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारी एप्पल आईडी ऐप स्टोर पे कंप्लीट यहाँ पे दिखा रहा है। अभी हम यहाँ पे व्हाट्सएप को डाउनलोड के लिए प्रेस करते हैं। और अभी देखिए दोस्तों, हमने इसे इंस्टॉल के लिए प्रेस किया, तो अभी यहाँ पे हमें फिर से पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करना है। और अभी देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे पासवर्ड कन्फर्म करके यहाँ पे साइन इन किया, देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे रिक्वायर पासवर्ड के लिए यहाँ पे सेटिंग सिलेक्ट करना है कि आपको हर 15 मिनट्स में यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायर चाहिए या फिर आपको हमेशा यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायर चाहिए। तो आप यहाँ पे से दोनों में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट कर दीजिए।
और देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया तो इसके बाद में हमारा व्हाट्सएप डाउनलोडिंग स्टार्ट। और अभी देखिए दोस्तों, हमारा ये व्हाट्सएप डाउनलोड भी कंप्लीट हो चुका है। आप इस मेथड से एप्पल के दूसरे फ़ोन्स में भी आसानी से बिना क्रेडिट कार्ड के एप्पल की आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप बिना क्रेडिट कार्ड की मदद के ऐप स्टोर पे एप्पल की आईडी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे से फ्री ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।